आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है, ईंट भट्टे वाले मजदूरों को दी गई टीवी बचाओ की जानकारी। जी हां, दरअसल मिर्जापुर टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद मिर्जापुर के नारायणपुर विकास खंड अंतर्गत बरेवा गांव में स्थित जय मां दुर्गा ईंट भट्टा पर कार्य कर रहे श्रमिकों के बीच आज 15 जनवरी 2024 को 6 विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा अपने विभागीय टीम के साथ उपस्थित होकर लोगों को टीबी रोग जैसे गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इसी के साथ बताते चले, सतीश यादव द्वारा भट्टे पर कार्य कर रहे श्रमिकों को टीबी रोग के गंभीरता से परिचित कराते हुए उन्हें इस रोग के संपूर्ण लक्षणों से वाकिफ कराने का क्रम में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी हो रहा है, साथ में बलगम है, खून का आना है तथा वजन घटना, भूख न लगना, सीने में दर्द रहना, रात को अक्सर बुखार आ जाने जैसी कोई सी भी स्थिति बनी रहती है, तो वह अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध निःशुल्क जांच इलाज जरूर से करवाएं और इसका लाभ लेते हुए अपने साथ साथ अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित बनाए रखने का सराहनीय काम भी करें। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताते चले, यादव द्वारा बताया गया कि हर टीबी रोगी को सरकार द्वारा अब निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपए प्रति माह उसके खाते में देने का कार्य कर रही है। यह सुविधा मरीज को उसके पूरे इलाज अवधि तक उपलब्ध कराया जाएगा। यादव द्वारा कार्यक्रम अंत में उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई, आप सभी किसी भी व्यक्ति को यदि बताए गए उपरोक्त लक्षणों से प्रभावित पाते हैं तो इंसानियत के नाते उसे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक भेजने का महत्वपूर्ण कार्य करते हुए किसी का जीवन रक्षक भी बनने का प्रयास करें। उपरोक्त कार्यक्रम में चुनार एसटीएस इफ्तिखार अहमद, एसटीएलएस अखिलेश यादव के साथ साथ भट्टा मालिक पंकज कुमार सिंह, सितेंद्र कुमार सिंह एवं अतुल सिंह आदि मौजूद रहे। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, ये थी संतोष गुप्ता की खास रिपोर्ट। हाँ, ये बताइए, आप ईंट भट्टे पर आज का कैसा कार्यक्रम था, आप अपना परिचय बताते हुए बताएं। आज नारायणपुर विकास खंड में दुर्गा माँ जय माँ दुर्गा ईंट भट्टे पे उनके भट्टे पे काफ़ी श्रमिकों की संख्या है, जिनके बीच में टीबी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जितने भी श्रमिक थे उन सारे लोगों को, चूँकि ये लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए इनको बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें एक टीबी भी गंभीर बीमारी है, और इसी टीबी के संदर्भ में इनको सारे लक्षणों से परिचित कराया गया और बताया गया है कि यदि आपके बीच में कोई भी व्यक्ति 2 सप्ताह से अधिक किसी को खांसी आ रहा हो, बुखार रात को आ जा रहा हो, सीने में दर्द हो, वजन कम हो रहा हो और आदि, इन सब चीज़ों से प्रभावित अगर अपने को पाता है तो अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में वो आके निःशुल्क जाँच और इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। और साथ साथ इन लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने परिचित अपरिचित जो भी कोई मिलता है, अगर ऐसे लक्षण जो बताए गए हैं उससे प्रभावित आप पाते हैं तो उसको नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक भेजने का कष्ट करें, ये बहुत बड़ा एक मानवीय कार्य होगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कार्यालय जिला क्षेत्र कार्यालय मिर्जापुर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।